भव्य महल में विराजमान होने के बाद लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचकर आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान राम की नगरी में रामलला के मंदिर निर्माण के बाद राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसके साथ ही रामलला को दिल खोलकर राम भक्त दान भी दे रहे हैं। भगवान रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन 3 लाख से ज़्यादा लोग रामनगरी आ रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो प्रतिदिन 3 लाख लोग रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। 3 फरवरी तक दर्शन करने वाले राम भक्तों की संख्या लगभग 25 लाख है। इसके साथ ही रामलला के लिए राम भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं, तब से दूर दराज से अयोध्या पहुंचकर राम भक्त रामलला के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। रामलला के प्रति राम भक्त अपने खजाने भी खोल रहे हैं। भगवान रामलला को प्रतिदिन बड़ा दान समर्पण के रूप में आ रहा है। भगवान रामलला को नगद बैंक खाते और चेक के माध्यम से राम भक्तों ने अपने गाढ़ी कमाई का अंशदान दिया है। भगवान रामलला के प्रति राम भक्तों ने अपने खजाने खोले तो राम मंदिर ट्रस्ट भी राम भक्तों को विशेष सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। भगवान रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु जितनी देर रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लग रहे हैं, उतनी ही देर भगवान रामलला के मंदिर निर्माण में दान देने के लिए भी कतारबद्ध तरीके से लाइनों में खड़े हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता की माने तो अभी तक राम भक्तों ने 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा राम मंदिर में दान दिया है। इसकी गिनती करने के लिए बैंक के कर्मचारी लगाए गए हैं। लगभग 27-28 लाख लोगों का अनुमान है इन लोगों ने अब तक दर्शन कर लिया है और दान भी लगभग 20 करोड़ रुपए के लगभग चेक ड्राफ्ट नगद और जो ऑनलाइन से जमा हुआ है और मिलाकर के प्राप्त हुआ होगा और जो दान पात्र में भी निकल रहा उसको मिलाकर संख्या जब यात्री बढ़ेगा तो दान भी बढ़ेगा। निश्चित है भाई, जो आता है ना कुछ भगवान को अर्पण करता ही है, तो निश्चित है जब संख्या यात्रियों की दर्शनार्थी बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ दान भी बढ़ेगा। वो बैंक कंटिन्यू रहते हैं पूरे, हमारे यहाँ छुट्टियों को छोड़ करके बराबर बैंक के कर्मचारी जो हमारे दान पात्र हैं खोल के गिनती करते हैं और उसको ले जाकर के रुपया बैंक में जमा करते हैं और वो हमारा सब सुरक्षित और बिल्कुल सिक्योरिटी से प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ पर किसी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, आस्था स्पेशल्स भी आ रही हैं, बहुत बाहर के भी लोग आ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो निश्चित है कि 2 लाख के रोजाना यात्रियों की आने की संभावना पहले भी व्यक्त की गई थी, आज भी अनुमान किया जा रहा है। तो दान भी बढ़ेगा। दान जहाँ बड़े देने वाले आएंगे तो बढ़ जाता है, आम जनता देती है तो सामान रहता है।